कहते हैं स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉज इज कॉल्ड फिजिक्स, लेकिन अगर हम बात करें प्लम्बर की और कारपेंटर की, तो बिना अपने वो टूल्स के अधूरा है, वो कुछ भी काम परफेक्टली नहीं कर सकता है। वैसे ही फिजिक्स में क्लास 11, 12 आईआईटी जेई और नीट लेवल की फिजिक्स के लिए हमारे पास भी एक फिजिक्स का कुछ टूल होना चाहिए, और वो टूल हमारे लिए क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री एंड ग्राफ से। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है पोजीशन और एड्रेस। तो मान लीजिए हमने एक एक्स वाई प्लेन लिया है, जहां पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को बता रहा है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस ये नेगेटिव वाई एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि इस ये कौन सी पोजीशन है, तो क्या पोजीशन है ये, इसके लिए हम बताएंगे कि भाई एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका जो पोजीशन होगा 4, यानी कि एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे ये 3 है, तो 4,3 ये इसकी पोजीशन होगी। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि यहां पे ये कौन सी पोजीशन है, तो यहां पे आप कहेंगे एक्स एक्सिस पे 3 और माइनस वाई एक्सिस पे -4, ये -4 की पोजीशन है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आएगा 3,-4। ये जो लाइन है यहां पे, ये इस पॉइंट O से लेके P तक को इंडिकेट कर रही है, ये पॉइंट इधर मान लीजिए ये Q को इंडिकेट कर रही है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कैसे निकाला जाएगा, ये 4, ये 3, ये आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल से अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये भी इधर 3 है इधर 4 है, तो ये भी जो डिस्टेंस आएगा ये 5 आ जाएगा। तो P और Q की डिफरेंट पोजीशंस यहां से कितनी है, आइदर 4,3 पोजीशन, और अगर एंगल के टर्म में देखते हैं तो ये दिस मच एंगल। इस ग्राफ में ये टैन थीटा जो होता है ये स्लोप होता है। मान लीजिए अगर हम ये किसी दो पॉइंट के लिए लेते हैं, सपोज ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, सपोज हमने ये पॉइंट लिया ए और ये पॉइंट लिया हमने बी, तो ए से बी जो लाइन ज्वाइन कर रही है, सपोज इसका कोऑर्डिनेट है 1,2 और इसका कोऑर्डिनेट है सपोज 6,5, ये अगर इनकी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहां से ये जो डिस्टेंस है ये 1 है, ये 1 है, इसकी ये जो पोजीशन है 6, इसका मतलब यहां से इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पे पोजीशन क्या होगा, ये 6 होगा, ये 6 और ये 1। वाई एक्सिस पे अगर बात करते हैं तो ये पोजीशन है 2 वाई एक्सिस पे, और यहां पॉइंट बी के लिए वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन है 5। तो अगर हम यहां पे इसका स्लोप की अगर बात करें, इसके स्लोप की बात करें, तो यहां पे भी ये स्लोप टैन थीटा होगा। कितना होगा ये टैन थीटा, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम सब जानते हैं। तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा, यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक 5 है, तो ये जो डिफरेंस आएगा 3 यूनिट, ये 5-2 यानी कि 3 यूनिट, ये डिस्टेंस हो गया वर्टिकल परपेंडिकुलर, एंड बेस इज फ्रॉम 1 to 6, दैट इज 5, 6-1 इज इक्वल टू 5 यूनिट, ये एक्स एक्सिस पे हो गया। तो स्लोप क्या आएगा, 5-2 अपॉन 6-1, दैट इज 3/5, 0.6 कह सकते हैं, ये स्लोप आ गया इस लाइन ए बी के लिए।
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं, तो हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा भी था, अंडर रूट वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये 3 है और ये 5 है, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट वाई टू माइनस वाई वन इज परपेंडिकुलर, दैट इज 3 स्क्वायर, एंड बेस दैट इज 5 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 25 और प्लस 9 रूट 34, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। 3D कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो 3D कोऑर्डिनेट में 3 एक्सेस होंगे। अब 3 एक्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम बोर्ड पे, उसके लिए हमें क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है और ये z एक्सेस है। सपोज हमने एक पॉइंट यहां पे, सपोज एक पॉइंट इस जगह पे लिया है। अब इसकी लोकेशन कैसे देखेंगे? मान लीजिए इस पॉइंट की लोकेशन है a कॉमा b कॉमा c, a कॉमा b कॉमा c। इसका मतलब है x एक्सेस पे a डिस्प्लेसमेंट, x एक्सेस पे a डिस्प्लेसमेंट, y एक्सेस पे b डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये y एक्सेस है और z एक्सेस पे ये c डिस्प्लेसमेंट, ये z एक्सेस के अलोंग है, सॉरी ये z एक्सेस ले रहे हैं, इसको y एक्सेस लिख रहे हैं। तो x एक्सेस के अलोंग a, y एक्सेस के अलोंग b और z एक्सेस के अलोंग c। तो ये हमारा पोजीशन यहां पे बन गया। 3D स्ट्रक्चर में लाने के लिए हमें इसको कुछ इस तरीके से समझना पड़ेगा कि ऐसे हम इसे जनरलाइज करें और ये हमारे लिए एक क्यूब जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। और ये ए बी सी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि यहां से ओरिजिन से सेंटर से अगर हम इस पॉइंट पी की बात करें तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है, अभी ये क्यूब बिल्कुल क्लियर है, तो एक्स एक्सिस पे इसकी पोजीशन ए, वाई एक्सिस पे बी और जेड एक्सिस पे सी है। ओरिजिन से अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको हम लोग कह रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या होता है? डिस्टेंस डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन। मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये पी है, एक पॉइंट ऐसे ही क्यू है और इसका कुछ अलग कोऑर्डिनेट है। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानना है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, स्लोप क्या होता है इसमें? तो कोई भी लाइन है, अगर एक्स एक्सिस से देखना है तो एक्स एक्सिस से स्लोप कितना आएगा? 10 थीटा। ग्राफ कैसे बन रहा है डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, वो कुछ इस तरीके से है। तो थोड़ी बहुत बातें हम और स्लोप के लिए कर लेते हैं। यहां पे ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है? यहां पे थीटा दैट इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 डिग्री होगी तो यहां पे ये पॉजिटिव स्लोप कहलाएगा। जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं टेन 45, तो टेन 45 इज प्लस 1। अगर हम लिखते हैं टेन 135, तो टेन 135 की वैल्यू होती है माइनस 1। तो अगर हमने मान लीजिए दो लाइंस बनाई हैं, एक ये लाइन है और एक दूसरी लाइन ये है, तो इस लाइन का जो स्लोप है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, मान लीजिए 45 डिग्री, और ये एंगल 135 डिग्री है, तो इस लाइन के लिए जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, इस लाइन के लिए जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर ये एंगल जीरो है, इफ थीटा इज जीरो, देन टेन जीरो
इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो स्लोप हो जाएगा। तो यानी कि स्लोप पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। तो स्लोप के बारे में बस इतना ही कहना है। यहां पे हमने दो ग्राफ, दो केसेस लिए हुए हैं, केस ए एंड केस बी। तीन ग्राफ यहां पे हैं 1, 2, 3 और तीन ग्राफ यहां पे हैं 1, 2, 3। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे किसी भी पॉइंट पे ये जो एंगल बन रहा है ये सेम है, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप होगा यानी कि टेन थीटा दैट विल बी कांस्टेंट। और कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि एंगल अगर जीरो से लेके 90 के बीच में है तो इसका स्लोप आएगा पॉजिटिव। लेकिन बाकी दूसरे या तीसरे, पहले और तीसरे केस में यहां पे मान लीजिए हम इस पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं थर्ड केस में, तो इस पे आपको टेंजेंट बनाना पड़ेगा। इसका जो एंगल बन रहा है वो मान लीजिए ये है 30 डिग्री। हम और आगे बढ़े, यहां पे अगर हम देखें तो ये एंगल और कम हो जाता है। इस वाले केस में अगर देखें, मान लीजिए इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो यहां पे टेंजेंट ये बन रहा है, एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है। और ऊपर गए तो ये हमने ऐसे बनाया, एंगल मोर देन 60 डिग्री के अराउंड आ रहा है। और ऊपर गए तो हो सकता है कि वर्टिकल अलोंग वाई एक्सिस आ जाए। तो लगातार यहां पे हम देख रहे हैं कि एंगल इज एक्यूट। और सभी के केसेस में, इन दो केसेस में, कौन से दो? केस वन ग्राफ एंड केस टू ग्राफ, हर एक पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका एंगल एक्स एक्सिस से डिफरेंट है तो कहेंगे स्लोप वेरिएबल है। लेकिन ये वेरिएबल है और पॉजिटिव है, ये वेरिएबल एंड पॉजिटिव। यहां पे भी क्या है? वेरिएबल एंड पॉजिटिव। लेकिन इन केसेस में क्या हो रहा है? अगर मान लीजिए हम इसकी बात करें तो ये भी, ये देखिए, ये सर्टेन एंगल थीटा मान लीजिए 150 डिग्री है। तो आप चाहे यहां पे, यहां से आप ये एंगल देखिए, यहां से देखिए, दैट एंगल ऑलवेज यू हैव टू टेक योर एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इस लाइन के लिए स्लोप क्या होगा? बिकॉज इट इज मोर देन 90 डिग्री एंगल, तो क्या होगा? स्लोप नेगेटिव आएगा। हमने बताया था 10-90 के अबव जो वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती है। इन केसेस में क्या हो रहा है? तो ये नेगेटिव है और कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट। अगर हम इनकी बात करें तो यहां पे क्या होगा? आपको अगर आप यहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल इतना बना रहा है एक्स एक्सिस से। अगर आप यहां पे ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं देन इट इज लेसर देन द प्रीवियस वन। तो कह सकते हैं कि इनमें भी जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री है, तो यानी कि स्लोप नेगेटिव होंगे। लेकिन पहले और तीसरे केस में ये वेरिएबल स्लोप्स होंगे। तो स्लोप्स कैसे होते हैं? वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। अब हम यहां पे ग्राफ की बात करते हैं। मान लीजिए वाई एक फंक्शन हमने लिया है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये क्या है? इट इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है। और मान लीजिए हमने यहां लिखा है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये यहां पे डबल सेकेंड ऑर्डर का यहां पे एक फंक्शन लिख दिया हमने। अब अगर हम इनकी वैल्यूज को ड्रॉ करें ग्राफ पे तो देखिए कैसे बनेगा। चलिए हमने एक एक्स और वाई प्लेन ले लिया। अब हम यहां पे एक्स की डिफरेंट वैल्यूज से स्टार्ट करते हैं, से 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। और वाई की भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, से 1, 2, 3, 4 ऐसे। इधर लेफ्ट में भी वैल्यूज होंगी -1, -2, इधर भी -1, -2। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इनके ऑपोजिट -x और -y एक्सिस है। अगर हम इस इक्वेशन को बनाए, प्लॉट करें, तो हम देखेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू 1 है, यानी पहला पॉइंट जो हमें मिल रहा है वो इस जगह पे मिल रहा है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 पे वाई की वैल्यू कितनी है, यानी कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। 2 पे ये वैल्यू 3 होगी,
थ्री पे ये वैल्यू फोर होगी, और अगर हम नेगेटिव में वैल्यूज लेते हैं x की, मान लीजिए x की वैल्यू माइनस वन लिया हमने, तो x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट मिल गया हमें। तो अगर हम इन सबको ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये अगर ऑर्डर वन है तो ये स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल होगा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ब्रीफली इसको आपको एक्सप्लेन कर दें, तो यहां पे लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है किसका, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसमें m क्या है, m इज स्लोप। यहां पे आप देख रहे हैं कि x के साथ जो वैल्यू है स्लोप इसका वन है। प्रूफ करके देखते हैं कैसे स्लोप निकालते हैं। कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, इनके साथ आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लीजिए, आपको ये टेन थीटा निकालना पड़ेगा। यहां पे वाई की वैल्यू है वन, यहां पे वाई की वैल्यू है फोर, यानी वन से लेके यहां से यहां तक वन है, यहां से यहां तक फोर है, यानी यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू आएगी थ्री। यहां पे एक्स की वैल्यू जीरो है, यहां पे एक्स की वैल्यू थ्री है, ये भी थ्री है, यानी टेन थीटा कितना आएगा वो वेरीफाई करके देख लेते हैं। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन आ जाएगा, यानी इसका स्लोप क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो इस इक्वेशन में ये जो वैल्यू है, ये जो प्लेस है वो स्लोप का प्लेस है। अगर मान लीजिए हमने ऐसे लिखा होता वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, तो इसका स्लोप कितना आ जाता, टू आ जाता, तो ये और ज्यादा स्ट्रेट होता। तो ये तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ चुके हैं। अब अगर हम सेकेंड ऑर्डर का यहां पे ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो आइए देखते हैं कैसा बनेगा। मान लीजिए हमने ये फिर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, यहां पे ये जीरो वन टू थ्री फोर, ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसे ही माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर कोऑर्डिनेट्स ले लिए। वाई एक्सिस पे आते हैं तो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव सिक्स, ऐसे वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट ले लिए। सिमिलरली माइनस वाई एक्सिस पे भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो चलिए हम अब इस ग्राफ को, इस फंक्शन को प्लॉट करके देखते हैं। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है, अगर x की वैल्यू जीरो है तो हमें y की वैल्यू वन मिलेगी, यानी पहला पॉइंट हमें यह मिल गया। अगर x की वैल्यू वन है तो x की y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वन स्क्वायर प्लस वन विल बी टू। तो x की वैल्यू अगर वन है तो हमें y की वैल्यू टू मिल रही है, यानी कि वन ये और टू ये, यहां पे हमें पॉइंट बनाना होगा। अगर x की वैल्यू टू ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमें कितने मिलेगी, टू टू जा फोर प्लस वन फाइव, यानी कि हमें ये पॉइंट यहां मिल रहा है। आइए माइनस x एक्सिस पे देखते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू माइनस वन लेते हैं तो इवन माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन एंड वन प्लस वन इज टू, हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा। अगर हम x की वैल्यू माइनस टू लेते हैं तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन फाइव, अगेन एट द सेम पॉइंट। तो अगर हम इन सबको ज्वाइन करें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा ग्राफ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग मिलेगा। ये अगला पॉइंट कहां मिलेगा, थ्री पे, थ्री थ्री जा नाइन प्लस वन टेन पे मिलेगा, यहां कहीं होगा। तो ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन है। अगर यहां पे हम लिखते वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते, तो यहां पे जो हमें वैल्यू, ये जो पैराबोला है वो यहां से स्टार्ट होता, इस जगह जीरो से स्टार्ट होता, यहां पे वन से स्टार्ट हो रहा है। तो यही एक डिफरेंस है। तो पैराबोला इसका, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन ये है। इसके लिए हम अगर इक्वेशन लिखना चाहें जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए अब अगर आप इसका बेसिक जो इक्वेशन जो फॉर्म होता है, वाई इज इक्वल टू फोर ए एक्स होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स,
इस तरीके से लिखा जाता है। जहां भी कहीं वाई के साथ एक्स का डबल पावर आएगा वो आप समझ लीजिए कि पैराबोला का है। एक लिख देते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके जो डिफरेंट पॉसिबल वेरिएशंस होंगे वो देखिए बनाते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये वाई वर्सेज एक्स का ग्राफ। अगर हमने लिखा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, इसमें वेरिएशन नीचे जाएगा। ये पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स, ये माइनस वाई, ये माइनस माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसमें वेरिएशन कुछ ऐसे जाएगा। मान लीजिए अगर हमने लिखा है वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? फिर ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां पे एक्स एक्सिस पे ये वेरिएशन दिखेगा। मान लीजिए हमने बताया वाई और ये एक्स एक्सिस है, हमने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, तो ये जो वेरिएशन होगा वो माइनस वाई एक्सिस पे होगा। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं पैराबोला के लिए। तो जहां पे ऑर्डर एक्स का वन होता है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, और जहां पे ऑर्डर टू होता है वो पावर वो किसका होता है? पैराबोला के लिए ये इक्वेशन होता है, ध्यान रखिएगा। पैराबोला कुछ और ग्राफ हैं, कुछ और फंक्शंस हैं जिनके बारे में आपसे आपको बता देते हैं। हालांकि मैथ्स में तो ये बहुत डिटेल में आप पढ़ते हैं, हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें बेसिकली बस ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, और ये इसकी इक्वेशन है। क्या है ये? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पे जो इक्वेशन लिखा है इसमें आप वाई को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो वाई को अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो इक्वेशन बनेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। और अगर आप यहां पे एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाई को अगर आप प्लॉट करेंगे तो एक सर्कल मिलेगा आपको। तो ये सर्कल का इक्वेशन है जहां पे आर क्या है? आर इज इट्स रेडियस। वही अगर आप एक्स माइनस एच वाई माइनस के का होल स्क्वायर इस तरीके से लिखते हैं, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये भी सर्कल का जनरल इक्वेशन है जहां पे एच और के क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है ये एच कॉमा के। इस केस में कैसे बनेगा? ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहां पे आप एक ये ऐसा सर्कल बनेगा जहां पे इसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा एच कॉमा के होगा, और इस सर्कल का रेडियस भी कितना होगा? आर के इक्वल होगा। तो यहां पे जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल ये हो गया। वहीं दूसरी तरफ इलिप्स, आप सबने पढ़ा है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन अलोंग ऑन एलिप्टिकल पाथ। तो कैसे पाथ पे रिवॉल्व करता है? ऐसे पाथ पे रिवॉल्व करता है। इसका जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, जहां पे भी आप वाई को सब्जेक्ट बना लेंगे और एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए जब प्लॉट करेंगे तो आपको ये इस तरीके से एलिप्टिकल इक्वेशन मिलेगा, जहां पे ये इसका सेंटर है। ए और बी क्या कहलाते हैं? ए इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस। तो ये ध्यान रखिएगा, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। अगर यहां पे प्लस की जगह माइनस हो जाए, देखिए सब डबल ऑर्डर वाले हैं, सेकेंड ऑर्डर वाले हैं ग्राफ, अगर यहां प्लस की बजाय माइनस हो जाए तो ग्राफ यहां एक्स की डिफरेंट वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए जो ग्राफ मिलेगा हमें ऐसे मिलेगा। ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये क्या है? इसको कहते हैं हाइपरबोला। आप वीडियो को पॉज करके इसके इक्वेशंस वगैरह आप सब नोट कर सकते हैं ठीक से। कुछ और ग्राफ की बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड है। जैसे पहले हमने लिया वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स, तो इस
वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। एक्स की वैल्यू अगर आप 0, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री अगर आप वेरी करते जाएं, तो 0 देन एक्स इज इक्वल टू यहां पे 0 फर्दर कब मिलेगा 180 पे, 180 मतलब पाई, 2 पाई पे फिर से 0 मिलेगा, पाई बाई 2 पे इट विल बी प्लस 1, तो माइनस प्लस ए आ जाएगा। ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है इसका। ऐसे ही एक्स इज इक्वल टू ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 पे एक साइन एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 1, यानी कि ये आएगा माइनस ए। तो जो इसका ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से पीरियोडिक ग्राफ मिलेगा, वेरिंग इन द रेंज प्लस ए टू माइनस ए। वहीं अगर हम सपोज वाई इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स लिख देते हैं, तो जो वेरिएशन होगा उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा, ये वैल्यू नीचे से स्टार्ट होगी। तो ये क्या है, यहां पे ये माइनस ए और ये टॉप मैक्सिमम पोजीशन एम्पलीट्यूड जिसको कहते हैं, वो यहां प्लस ए से लेके माइनस ए तक वैरी करेगा। तो प्लस ए साइन एक्स में पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और माइनस ए साइन एक्स में नेगेटिव से स्टार्ट होगा, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल। ऐसे ही अगर हम वाई इज इक्वल टू ए कॉस एक्स से स्टार्ट करते हैं, ए कॉस एक्स प्लॉट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कॉस 0 1 होता है तो प्लस ए मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव ए से ये वैल्यू स्टार्ट होगी, एंड इट्स मिनिमम नेगेटिव वैल्यू क्या होगी माइनस ए। सो अगेन वाई विल रेंज इन द बिटवीन, इन बिटवीन प्लस ए टू माइनस ए, ये यहां पे इसका रेंज होगा। ये इस पर्टिकुलर के लिए वेरिएशन है। अगर आप यही वाई इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स के लिए ड्रॉ करते हैं तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, बाकी और कोई अंतर नहीं आएगा, एम्पलीट्यूड प्लस ए माइनस ए अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। ये दोनों ग्राफ तो इजी हैं, आप इनमें वाई सब्जेक्ट बना हुआ है ऑलरेडी, एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए या यहां पे एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए साइन और कॉस के आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टैन की ग्राफ की बात करें, टैन में टैन का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, टैन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, टैन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है, और टैन 90 तक, 90 टैन 90 की वैल्यू इन्फिनिट होती है। तो यहां पे एक प्रॉब्लम है, 90 मतलब पाई बाय 2, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, तो जीरो से लेके पाई तक, पाई पे ये वैल्यू इन्फिनिट पे चली गई, यानी कि यहां से स्टार्ट हुई जीरो पे थी और धीरे धीरे 90 तक पहुंचते हुए इन्फिनिट तक चली गई है, यानी कि ये पॉइंट इन्फिनिट पे जाके मिलेगा इस लाइन को, तो ऐसा एक्सटेंशन होगा। और वहीं आगे मान लीजिए इसे हम नेगेटिव में भी लेके जाते हैं, जीरो से लेके 90 तक, अभी जैसे हमने स्लोप में देखा था, जीरो से लेके 90 तक जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और 90 के बियॉन्ड कितनी आएगी वो भी वो नेगेटिव आएगी, और साइन पाई पे टेन पाई पे जो वैल्यू आएगी, यानी कि टेन 180 डिग्री पे अगेन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन एक समस्या है कि पाई बाय 2 से लेके पाई तक जो टेन की वैल्यू है इस रेंज में, यहां पे टेन की वैल्यू नेगेटिव आती है और जीरो से लेके पाई बाई 2 तक की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, और टेन पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी है, इन्फिनिट है। तो जैसे ही हम 90 क्रॉस करते हैं तुरंत ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिट। तो ये कुछ इस तरीके से वैरी करेगा, यानी कि 90 पे प्लस पाई था, प्लस इन्फिनिट था, और जैसे ही प्लस पाई बाई 2 हमने क्रॉस किया, जैसे ही हम सेकेंड क्वाड्रेंट में गए तुरंत वो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, यहां नेगेटिव टेन की वैल्यू, यहां पॉजिटिव टेन की वैल्यू। तो
ये फिर माइनस इंफिनिट से आएगा और यहां पाई पे जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट 3π/2 पे क्या होगा, 3π/2 पे अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगेन द सेम केस, 3π/2 से पहले मतलब इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में समझाया था कि यहां पे टैन पॉजिटिव, यहां पे टैन पॉजिटिव, यहां टैन नेगेटिव और यहां टैन नेगेटिव, ये सिर्फ टैन की बात हो रही है और किसी की नहीं। तो इस यहां से लेके और यहां तक यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी टैन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जैसे ही हम 270 डिग्री यानी कि 3π/2 पे पहुंचते हैं दैट बिकम्स प्लस इंफिनिट। तो ये ऐसे ऊपर चला गया और फिर नेक्स्ट जो 2π आएगा, 2π पे ये वैल्यू फिर से जीरो, और यहां आगे फिर नेक्स्ट जब हम आगे जाएंगे तो अकॉर्डिंगली ये वैल्यू वेरी करती जाएगी कुछ इस तरीके से। इसीलिए कहते हैं कि tan 90 या tan 270 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड और इन्फिनिट में डिफरेंस है, इन्फिनिट होना और अनडिफाइंड होना दोनों में अंतर है। अभी तक क्लास 10 तक हम यही सोचते रहे हैं कि इन्फिनिट है तो अनडिफाइंड, ऐसा नहीं है। इन्फिनिट है तो अनडिफाइंड नहीं है, बल्कि ये 90 पे अगर 90 से थोड़ा सा पहले आते हैं तो प्लस इन्फिनिट है, और 90 के थोड़ा सा आगे जाते हैं तो माइनस इन्फिनिट है, इसलिए अनडिफाइंड है। इसकी वैल्यू क्या माने, प्लस इन्फिनिट माने 90 पे कि माइनस इन्फिनिट माने? तो प्लस इन्फिनिट से लेके माइनस इन्फिनिट के बीच में ये रेंज करती है पाई बाई टू पे, इसलिए टैन की वैल्यू ये अनडिफाइंड है। तो जब आप वाई इज इक्वल टू ए टैन एक्स ड्रॉ करते हैं तो आपको ये ग्राफ मिलता है। तो ये कुछ बेसिक हमारे ग्राफ हैं, स्ट्रक्चर हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। इसी कंटिन्यूएशन में आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अगर जीरो से 90 के अबव हैं या बिलो हैं तो उनकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको कॉस 120 का तो नहीं पता, साइन या कॉस का तो पता है, लेकिन आपको कॉस 120 या साइन 120 डिग्री, या अगर हम आपसे कहते हैं साइन 300 डिग्री, तो इनकी वैल्यूज आपको नहीं पता। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि कैसे ये निकाला जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत बेसिक रूल है, दो मिनट में आप समझ जाएंगे, ये सब हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाली है। इनके अलावा कुछ और भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं जो वीडियो के लास्ट में हम ऐड करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। वीडियो को पॉज करके आप उनको नोट कर लीजिए या फिर आप उसका प्रिंटआउट निकलवा लीजिए, या आपके ऊपर है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम ये वैल्यूज निकालें। तो उनके लिए दो रूल, सबसे पहले अगर हम ये कोऑर्डिनेट्स बनाएं, मान लीजिए ये हमने एक एक्स वाई प्लेन बना लिया जिसमें ये यहां से जब हम एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं तो अगर ये एक लाइन है तो एक्स एक्सिस से ये जीरो डिग्री बना रहा है, यहां से लेके यहां तक ये 90 डिग्री बना रहा है, यहां से लेके यहां तक ये 180 डिग्री बना रहा है, और पाई यहां से लेके यहां तक ये 270 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक ये 360 डिग्री, और फर्दर ऐसे ही हम 360 प्लस 90 90 90 करते चले जाएंगे। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चार डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहां पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन या इसका रिवर्स यानी कि कोसेक, और यहां पे टैन पॉजिटिव होगा जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव या इसका रिवर्स पॉजिटिव कॉट, यहां पे कॉस पॉजिटिव या इसका रिवर्स सेक पॉजिटिव। तो यहां पे ये रेंज है जहां पे ये फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, इस रेंज में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। अब हमें जैसे मान लीजिए लिखना है एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन
लाइक साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया या साइन 180 माइनस थीटा लिख दिया। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? 90 यहां से यहां तक, और थीटा एक एक्यूट एंगल हम मानते हैं। तो 90 प्लस थीटा, मान लीजिए 90 प्लस 30 कर दिया, यहां पे 120 की जगह लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, यहां पे हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30, यहां पे लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 30 या साइन 360 माइनस 60। तो आप इसको इस तरीके से इस फॉर्म में लिखिए, 90 90 के मल्टीपल में, बाकी और एंगल उनके साथ प्लस करिए। अगर ये हमारा वैल्यू 90 है तो रूल वन देखिए क्या है। रूल वन, 90 और 180, 90 और 270 के केस में, 90 और 270 के केस में फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, कॉट का या कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ऐसे ही टैन के लिए कॉट, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं। तो 90 और 270 के केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आ जाएंगे। और दूसरा, 180 के केस में और 360 डिग्री के केस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। 360 के केस में नो चेंज, यहां पे लिख देते हैं जगह कम है तो नो चेंज, नो चेंज ऑफ फंक्शन, तो ये याद रखिएगा। अब जैसे हमारे पास ये हमने लिखा है कॉस 90 प्लस 30, तो 90 यहां भी है, 90 यहां भी है, यहां 270 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 90 के केस में कॉस बिकम्स साइन, साइन बिकम्स कॉस, यहां पे 270 है, साइन बिकम्स कॉस। मान लीजिए 180 वाला कोई केस लेते हैं, सपोज हमने ले लिया टैन 210 और टैन 240, सो टैन 240 कितना आ जाता? टैन 180 प्लस 60 आ जाता। तो ऐसे हम क्या लिख पाते? अब ये 180 के केस में आ गया, 180 के केस में नो चेंज, सो टैन 60। पहला स्टेप हमारा फंक्शंस को लिखना होता है। दूसरा स्टेप यहां पे ये देखना होता है कि किस रेंज में वैल्यू आ रही है। जैसे मान लीजिए ये इसका जो रेंज है ये 0 टू 90 है, इसका 90 टू 180 है, इसका 180 टू 270 है। तो यहां पे जैसे फर्स्ट वाले केस में है, तो फर्स्ट वाले केस में आपको दिख रहा है यहां पे ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट वाले केस में कॉस है। इस फंक्शन को देखते हैं, कॉस 120 इस क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, अपने पास क्या है? कॉस। तो यहां पे साइन ही पॉजिटिव लेना है क्योंकि कॉस है, तो यहां आएगा माइनस 130। ऐसे साइन 120, साइन 120 90 प्लस इसमें आ रहा है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये प्लस में है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट इसमें ये साइन 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में साइन कॉस पॉजिटिव है, लेकिन अपने पास क्या है? साइन, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो पहला काम क्या करना है? इसके हिसाब से फंक्शंस को बदलना है, और दूसरा इन क्वाड्रेंट्स के हिसाब से हमें प्लस या माइनस लगाना है। इसमें देखिए 180 के केस में नो चेंज, अब देखेंगे 240 किस क्वाड्रेंट में है? 240 है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, तो यहां पे आएगा प्लस। अब हमें इसकी वैल्यू मालूम है, तो आ जाएगा माइनस 1/2, ये कितना है? रूट 3/2,
ये कितना है माइनस वन बाई टू, ये कितना है दैट इज रूट थ्री प्लस रूट थ्री। तो अकॉर्डिंगली हम इस तरीके से कोई भी फंक्शन निकाल सकते हैं। इनसे रिलेटेड सारे फॉर्मूले हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्प्ले कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ये था फर्स्ट पार्ट हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और साथ में उसके फिजिक्स वाले एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। थैंक यू।